नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल नरवाना में, नरवाना बिजली बोर्ड के आगे जो ग्रामीण बैठ गए हैं, आप देख सकते टेंट लगा धरना लगा दिया है। तो क्या कुछ मामला है? मामला बताया जा रहा है कि बिजली कर्मचारी ने पैसे का कुछ मामला बताया जा रहा है, जिसका विरोध में ग्रामीणों ने यहाँ पर टेंट लगा दिया, धरने पर बैठ गए हैं। तो बातचीत करांगे, और किसान भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों यहाँ पर धरना लगाना पड़ा, क्यों यहाँ पर किसान बैठ गया, गांव के लोग बैठ गए क्या? तो सिक्किम जी हमारे साथ है, इनसे बात करांगे कि पूरा क्या कुछ मामला है। सिक्किम जी, आज बिजली बोर्ड नरवाना में गांव के लोग बैठ गए हैं, क्या मामला है, क्यों यहाँ पर टेंट लगा कर बैठना पड़ा, धरना लगा कर? सरकार की तेज निगाह हो रही है हमारा पे, क्योंकि आप लोगों ने बेरा है कि किसान और मजदूर को मारने का एक मतलब षड्यंत्र चल रहा है, भाई कैसे मध्य वर्ग को खत्म कराया जावा है। प्रशासन भी इसके गले मिला हुआ है। आप लोगों ने पता होगा कि हमारा यहाँ पास का एक गांव है मैंगल पर, वहाँ पर 3,87,000 रुपये लेकर कपिल से 3,87,000 रुपये लेकर मैंगल पर से 3,87,000 रुपये लेकर ना गलत कनेक्शन करके ना और वो जे ही अपनी बदली कराया गया। यदि फिर महकमे से बातचीत करी, 3 लाख रुपए क्या बोल कर ली है? नू ले लिए भाई, कनेक्शन कर दिया, खड़े पैर खंबे गडवा दिए, पोल खींच दिए, तार खींच, हाँ, पर उनसे मीटर नहीं लगाया। जब मीटर के बारे में बार बार कपिल ने दबाव दिया तो उन्होंने बोला भाई मेरे पे विश्वास कर, वो विश्वास खड़े तक करा। आखिरी में उसने क्या कराया, महकमे तक कोशिश कर ली बातचीत करने की, तो मैंने बोले भाई जो तेरा जे नहीं जे तक बात कर उसकी तो बदली होगी। तो वो बोले भाई मैंने इतने पीछे दे तो इसने तो हाथ खड़े कर दिए प्रशासन ने, तो भाई मामने नहीं बेरा, वो जे जाना है तू जाना। तब उसने बेरा पटाया भाई तेरे गले ठगी होगी, तो उसने उसके गले बातचीत करी भाई आप मेरे चाहे तो पैसे दे और चाहे फिर मतलब मीटर लगवाओ। तो पैसे दिए, उसकी रसीद दी है कपिल को जेई ने? ना ना ना, रात ने मतलब किसकी रसीद थी, खेत के अंदर उसने पैसे ले लिए। सबसे बड़ी बात तो यह बोली कौम है किसान, इसने नुए नहीं बेरा 3,87,000 रुपये नू दिया करें के, और इसे का मतलब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब वो 3,87,000 नहीं दिए, मीटर नहीं लग गया, जब प्रशासन से बात करी तो प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद उसने गाँव में मतलब इस चीज़ पर तस्कीद करी भाई, लोगों ने बताया भाई मेरे गले नुनू गबन हो गया और ये क्या करा। तो गाँव ने एक फैसला लिया भाई हम जाकर बात करांगे। तो आज से 4 दिन पहले ये सारा गांव यहाँ आया हुआ था, हम भी आए हुए थे क्योंकि यहाँ संयुक्त मोर्चा हरियाणा की मीटिंग थी। तो हम आए थे, हमने भी इनको सीओ कराया, इनको समझाया बताया, पर हमने एक ही चीज़ समझ में आई इनका कि भाई वैक्या में गबन होया। आज तक का टाइम दिया था 1 बजे तक का, भाई 1 बजे तक यदि प्रशासन और इस लड़के यानी मैंगल पर की टीम या जो पंचायत है उसके साथ फैसला हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई कड़ा एक्शन लेवांगे, पर अभी तक कोई फैसला सिरे चढ़िया नहीं है। तो कितने दिन की बात है जी जो पैसे दिए थे? लगभग 10-15 दिन की बात है, और अब भी मतलब इसका कोई रिजल्ट है नहीं रहा जो रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि आज भी शासन और प्रशासन एक कटघरा में खड़े होकर ना अकड़ के रूप में है। एक तो गलती, एक तो चोरी और एक छीना चोरी, दोनों काम हो रहे हैं। आसपास के गांव के लोग भी पहुंच रहे जी? हाँ, थोड़े बहुत हैं, बाकी अभी तो सिर्फ मैंगल पर हरिया जो मतलब जो संयुक्त मोर्चा हरियाणा की कमेटी है वो काम करने लग रही है। यदि ऐसा कोई बड़ी बात हुई तो कोई बड़ी कॉल दी जाओगी, आसपास का सारा एरिया नरवाना रुचाना इकट्ठा होगा, क्योंकि यू एरिया तो आपने बेरा खापों का एक गढ़ है, रेड फैसला दम तैन भी हो गया था, रेड भी हो जाएगा। तो किस अधिकारी से मिलो जी आप आज यहाँ पर, किसके साथ आज मीटिंग थी? अभी तो मतलब जो हमारा संयुक्त मोर्चा हरियाणा की मीटिंग थी, खाप पंचायत थी, और जो यहाँ के मैंगल पर की जो लोकल कमेटी थी वो थी, और जिसके साथ मतलब ये जो अपना नील है इसके गले कितने लोग थे इनकी तरफ से भी, क्योंकि आपने पता है अभी बिजली विभाग की भी एक कमेटी भी है, मान लो मोर्चा ले लो अपना अलग अलग होता ही है संगठन, उन लोगों के साथ बातचीत थी, देखो क्या निकल के आता है। तो किस जय के ऊपर आरोप है जी? नील है जी। तो अनिल जय क्या कह रहे जी इस मामले में, कुछ बोल रहे हैं कोई अधिकारी? बोल बल्कि यह बात भी कही थी भाई आप लोगों का पत्रकार था, हमने यह बात कही थी भाई हमारा पक्ष जान लिया, आप सामने वाला का भी पक्ष लो, पर उसने सामने आने से मना कर दिया। यदि कड़ी ये खोट होगा जब मान लो अगला बातचीत नहीं कर रहा, यदि हमारे अंदर खोट नहीं है तो फिर हम बोलेंगे इस बारे में, तो बोल क्यों नहीं रहे? तो कपिल ने भी देखो पैसे देने से पहला रसीद देखो हर आदमी ले, चाहे 10 रुपए सामान ले, चाहे कहीं भी जो सरकारी हर चीज की फीस कटा पर्ची कटा है, विश्वास कोई चीज हो जी। अरे इनका तो मतलब पहले ही कनेक्शन होया था, ये तो बार बार नु दबाव दिया गया कि भाई कनेक्शन ऊपर तैयार है, विश्वास में 3,87,000 गए जी। हाँ 3,87,000 गए, टेंशन होगी वन यारी, अरे कपिल के ऊपर केस और रखा है, मिला तो धक्का था तो तार ठह लिया, धक्का तो खंबे ठह लिया, यू केस भी इसने अनिल ने कपिल के ऊपर रखा उल्टा। मतलब अब तो हमारी यह है कि भाई कपिल को सस्पेंड कराया जावे, इसके ऊपर केस कराया जाए। कहाँ दिल आया है ये कि, और लेबर भी तो गई होगी महकमा, गई होगी लेबर भी जा रही है महकमा की, फोटो भी है, वीडियो भी है इनका दौर है, और कह रहा बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी है, सारे सबूत हैं, सारे इसके खिलाफ है अनिल का, पर उसके बाद भी नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। तो अभी आप क्या चाहो? हम तो यह चाहूँ भाई इसने सस्पेंड करो और इसने जेल भेजो, ताकि यू बार बार किसी के बच्चे ने नार सड़क के ऊपर लेके आवा है, दूसरा जो कनेक्शन है उसने परमानेंट रखो, और जो 3,87,000 रुपये वो वापस दो, और यू माफ़ी भी मांगा भी दोबारा तो कोई गलती नहीं होगी।
अगर उसका जी एक तरफा बात सुना वो कुछ और कहना चाहते हो, अगर आमने सामने बात हो जाए दोनों की, कपिल की और जय साहब की? अच्छी बात है, हम तो चाहवा जी बल्कि समाज के बीच में बैठ के बातचीत हो, तो उस जैसी तो बातें नहीं, क्योंकि हमने दूध का दूध पानी का पानी करना, हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि भाई हमारा कोई दुश्मन है अनिल, अनिल के कारण हमें दुश्मन है। जो अभी कमेटी आया जी बातचीत करने के लिए, क्या कुछ लगा अपना, उसका कुछ समाधान? देखो जी कमेटी का चेहरा तो कि मैं लगता नहीं, मैंने समाधान हो बरगार जो समाधान हो तो यू मतलब यू तंबू आराम तक नहीं कटिया करता, यू तंबू कट गया तो समझ ले कि मैंने कि मैं रोड में ही है कहानी, यू तंबू आराम तक नहीं कटता। इतना पक्का आपने लगा दिया, जो टेंट की व्यवस्था कर दिया, चाय पानी व्यवस्था कर दिया, लंबा भी चल सका है? देखो जी मामने तो आपने बेरा, हम तो जब कोई लड़ाई लड़िया करा नहीं, लास्ट तक लड़िया करा, हार पार, जब तक हम जीता नहीं है उठा नहीं है, सीधी सी बात है। अरे मतलब ये तंबू गड़ गया नहीं, सामियाना गड़ गया या सरकार की, हम नया अपने बेरा हम सरकार की पलट बिछाया करा, सत्रहवीं तेरहवीं बसोदी करके उठा करा, ये भी देखो भी ये कह दिन में मानना जाए दिन में मानेंगे ये ठीक से, इनका जी करेगा जुकर कर लेंगे, हम तो तैयार बैठे। तो ये कितने दिन का लगा जी? हमने नहीं बेरा जी, समझौता कर लो चाहे एक मिनट पर, समझौता करो ना चाहिए दो साल, हम तैयार हैं। मतलब जब तक नहीं फैसला तब तक यहीं रहोगे? जब तक हम लड़ेंगे जी, और जब तक हमारा को न्याय नहीं मिलेगा लगातार लड़ते रहेंगे, इसने भी जीत के उठाएंगे, फतेह करके उठाएंगे इस मोर्चे। तो देखो जी और भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम साहब है, डी साहब है, उनके संज्ञान में गया मामला? सारा सौदा है जी इनका, सारा संज्ञान में, पर बोलना कोई नहीं चाहता, चाहे आप जाके देखे हो, जो एक भी बयान दे दे तो श्यामी बयान कुछ नहीं देता, तड़े तड़े चाहिए कि मैं बोले जाऊँ। देखो जी अगर लोगों का आरोप है तो उसको संतुष्ट तो करना पड़ेगा? संतुष्ट तो करना पड़ेगा जी, महकमे का काम है, तो संतुष्ट करो, सामने आमने सामने बैठ कर बातचीत करो, मीडिया के सामने बताओ, जब मीडिया के सामने नहीं आ रहे कुछ तो गड़बड़ है, जब हम मीडिया के सामने आने लग रहे हैं अपनी बातचीत अपना पक्ष रखने लग रहे हैं तो ये क्यों नहीं रख रहे, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़। समाधान नहीं हो जाए तो धरना चलेगा? लगातार चलेगा जी धरना, जब तक चाहे 10 दिन में उठो चाहे 20 दिन में, मतलब ये बातचीत करो चाहे 2 महीने में करो, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सारे रास्ते खुले हैं, पर यदि पॉजिटिव माहौल में कोई बातचीत हो तो हम तैयार हैं, और यदि इन्हू चाहे अगर भाई मारी डफली रामे बजाओगे वह बाजा को नहीं। तो गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहूँगा? मैं अपील करना चाहूँगी भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहाँ जो अपना ऊंचा नरवाना में धरना लग गया इसको आप सपोर्ट करो, ताकि यह आज एक किसान का ऊपर तरह किसी और किसान का नंबर होगा तो हम इस समस्या का समाधान जब कर सका, जब हम लगातार लड़ांगे और इस मोर्चे को भी फतेह करांगे, ताकि किसी किसान का गिल्ला फिर कोई गुंडागर्दी ना हो, और जो समाज है समाज को बेरा पटना चाहिए कि बिजली विभाग के के करना में ये के कर सके। धन्यवाद। किसान नेताओं नेता पहुंचा जी, कौन कौन पहुंचे हैं जी? टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आजाद जी हैं, जो हमारे बलबीर जी हैं, और भी बहुत से नेता हैं जो आगू नेता हैं अपने मोर्चे के, हरियाणा मोर्चे के भी और संयुक्त मोर्चा दिल्ली के भी 5-4 जो नेता है वो भी हैं, और खाप के जो जितनी भी हमारी खापे हैं 3-4 खापों के प्रधान भी। तो लंबा चला तो जी मतलब किसानों को भी कॉल दी जाओगी? जरूर दी जाएगी जी, संयुक्त मोर्चे की हरियाणा की तरफ से भी कॉल होगी, यदि कोई ऐसा मामला होया तो भारत का मोर्चा भी मरते दूर को नहीं, क्योंकि हम लड़न सीख गए, हम संगठित हैं, हमने ये पता है कि सरकार और प्रशासन को कैसे झुकाना। तो नरवाना बिजली बोर्ड में हाँ किस गांव के लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, मामला ये है कि अनिल जय के ऊपर है, जो इनका आरोप है कि उन्होंने 3,87,00 रुपए खाए हैं, तो उसी को लेकर ना यहाँ पर स्थाई है जो धरना दे दिया है, जो टेंट लगा दिया है, और कि ये जब तक अनिल जय के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनके पैसे उल्टे नहीं मिलेंगे और कनेक्शन नहीं दिया जाओगा तब तक ये धरना चलेगा। तो आप देख सकते हैं जो टेंट लगा दिया उस साइड महिलाएं भी आई हैं। तो साथियों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपके सोचार क्या है आपने कमेंट में देने हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रैली के साथ है, जिस तरह से किसान आंदोलन में किसान आते थे उसी तरह से ट्रैक्टर ट्रैली लेकर गाँव के लोग आए हैं। तो साथियों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।